अब मैं तोड़ रही हूँ फूल। तो ये रहे हाजिरी के फूल, मैं तोड़ के आ गई हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं अर्पण थोड़े से भावना ने। तो अब मैं डाल रही हूँ अर्पण। तो मैं बना रही हूँ फूलमाला, ये देखो। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पे, जहाँ पे मतलब मेरे मम्मी पापा का स्थापन किया है, वहाँ पे दिया वगैरह जलाने। और पीछे तो यहाँ पे है मेरी मम्मी पापा का मंदिर जो स्थापन कर दिया है, बट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो दिया हमने यहाँ पे जला दिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि शाम भी हो चुकी है बहुत। तो दिए मैंने सारे जला दिए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो मेरी पूरी फैमिली को हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहलक। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8, तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज है फर्स्ट दीपावली, तो दीपावली की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो मैंने नहा दिया है, अभी नहा रखा है, अभी बाल सूखे नहीं है क्योंकि टॉवल से अभी फोल्ड कर रखे हैं। तो अभी कन्नू भी आया, आपको बता होगा, दीदी आ रखी है, उसको भी अभी मालिश कर रहे हैं, अभी नहा रखा है उसने भी। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट, ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों दीपावली क्यों मनाई जाती है थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। भगवान राम जी ने रावण से विजय प्राप्त करके 12 वर्ष का वनवास फिर अयोध्या लौटे थे, तो इसी वजह से मतलब इसी के कारण अयोध्या लौटने की खुशी पे कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जो आज है दीपावली मनाई जाती है। तो मैंने अभी फूल वगैरह भी नहीं तोड़े हैं, अभी मेरे को गार्डन से थोड़े से फूल तोड़ रहे हैं, फिर फूल माला बनानी है। और मेरे को कमेंट में ये भी आया था कि जो चावल का आटा कछार बनानी है उसका पीस भी हुई अर्पण, तो मैं इसमें बनाऊंगी आज अपने खल दिन में इनमें बनून चावल मेल भिजा रखन, तो होगा वो पीसू नहीं बात डालू ना अर्पण। तो कमेंट में आया था कि अर्पण आजकल कोई दिखाता नहीं है क्योंकि मैंने तो व्हाइट वाले अर्पण दिखाए थे मार्केट वाले, तो मैं आज लाइव आपको दिखाऊंगी जो चावल के पीस के चावल का आटा मतलब चावल भिगो के उसके बाद उसको पीसा जाता है, फिर उसका अर्पण और वो डालते हैं पत्ती से, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिए ब्लॉग में। तो अब मैं जा रही हूँ गार्डन में फूल तोड़ने, जिसकी मैं बनाऊंगी फूलमाला। हाँ फूल, और कन्नू बोल रहा है पाऊ पाऊ करके। तो ये रहे फूल, तो अब मैं तोड़ती हूँ फूल, थाली लेके आयु। हाँ मैं फूल तोड़ ली हूँ, कन्नू बोल रहा है पाऊ आ बोल रहे। तो अभी मैं तोड़ती हूँ अब फूल। हाँ आजा आजा, मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह बड़ा जाऊँ बड़ा कर इथू दबा थार बैठ जा, तू थार देर हो सकत ताली में हाथ दिखा रही, हाथ दिखे ना। तो अब मैं तोड़ रही हूँ फूल, ये देखो अभी मैं आई हूँ गार्डन में, पर थाली गिर गई क्योंकि वो फिसल रही है, स्टील वाली थाली है। तो थोड़े से मेरे को शाम के लिए भी बचाने हैं, मंदिर पे गुलदस्ता बनाऊंगी उनके। अभी थोड़ी सी मंदिर के लिए माला, और जितने भी माला इसमें से बन पाएंगे मतलब उतने तोड़ते हैं। तो बाहर को तो लोग सब मोल लेते हैं फूल, और हमारे पहाड़ों पे गार्डन में उग जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं, ये देखो। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं, अभी कोई कोई तो छोटे भी हो रहे हैं। अभी मैं थोड़े से ही तोड़ के ले जाती हूँ क्योंकि मेरे को शाम के लिए भी चाहिए थोड़े से। ये देखो ये बीज लगाया था हमने, बट कोई कोई तो खराब भी हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो सारे पेड़ गिर
गए थे, ये देखो आपको दिख भी रहे होंगे, पूरा सूख चुका है। हाजरी का फूल की टहनी पूरी सूख चुकी है। तो कुछ इस तरह हमारे पहाड़ों पे दीपावली मनाई जाती है धूमधाम से, दीपावली का त्योहार। तो आपको दिखाती हूँ, ब्लॉग का एंजॉय जरूर करें आप लोग भी। ये देखो अब नहीं तोड़ रही क्योंकि मेरे को थोड़े से शाम के लिए भी चाहिए। चलो आजा बंद कर ले। तमिल लेके आ गई हूँ फूल। हेलो कन्नू, हेलो कन्नू, हेलो करो, हेलो करो, तो हेलो ऊपर हम्मा करो, हम्मा करो, हम्मा फूल दिखाओ इधर। अब कन्नू ने पकड़ दी पूरी थाली फूल की। हेलो हेलो है, अभी माला बनाएंगे। हाँ तो ये रहे हाजरी के फूल, मैं तोड़ के आ गई हूँ। कन्नू ने भी नहा दिया है बट अभी अम्मा ने नहीं नहाया है, अभी थोड़ी देर में नहाएगी अम्मा क्योंकि ठंडा भी हो रहा है सुबह सुबह। तो अम्मा के लिए गर्म पानी रखा है, उसके बाद अम्मा नहाएगी। अल्लाह ना ली ना अम्मा हो बोल अम्मा। हेलो कन्नू, हेलो गाइस, हेलो। तो मैं अंदर रख के आती हूँ फूल क्योंकि थोड़ी देर में बनाएंगे माला, अभी अम्मा भी नहाएगी तो फिर यहाँ पे धूप में बैठेंगे। ले हेलो 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 नहीं ये बोल रहा है मेरे को फूल दे करके तोड़ने के लिए, तो अब मैं इनको रख के आती हूँ मंदिर पे। तो मंदिर पे फूल रख के मैं आ गई हूँ, अभी मैं नक्स लोगों के घर पे हूँ क्योंकि परू चाचा बोल रहे हैं थोड़ा सा मंदिर पे अर्पण डालना है, तो इन लोगों ने भी पूरा कलर वगैरह कर दिया है अंदर पे। तो आप देख सकते हो ये देखो डबल कलर कर रखे हैं, एक ही रहा और ऊपर छत पे ये वाला, और ये देखो इनका किचन भी है और मंदिर वाला रूम इनका दूसरा है, बाहर पे भी कलर कर रखा है। तो अब मैं जाती हूँ इनके अंदर। लाइट है रक्स यहाँ है, तो इन्होंने इतना अच्छा मंदिर बना रखा है तो लाइट ऑन कर दी है मैंने। ये देखो इन लोगों ने इस तरह कुछ कलर लगा रखा है बट अच्छा लग रहा है, तोती कलर और पिंक कलर अच्छा लग रहा है। अब ये है मंदिर इनका, ये नया नया ही बना रखा है, थोड़े थोड़े तो इस पर अर्पण डाल भी रखे हैं पूजा चाची ने, थोड़े से मेरे को डालने हैं। अब तो मिलती हूँ अर्पण डालने के बाद। तो मैं बना रही हूँ नक्स लोगों के मंदिर पे थोड़ा सा डिजाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि इन लोगों ने इस बार नया मंदिर बना रखा है ये वाला, है ना नक्स। तो अभी पूजा चाची लोग कहीं गए हैं सामान लेने, तो पूरा मंदिर इनका बनाना है अभी थोड़ी देर में, शायद भावना भी आएगी क्योंकि परू चाचा ने भावना से भी बोल रखा है थोड़ा सा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा घर पे काम है तो इतना अकेले हो नहीं पाएगा। तो डिजाइनिंग कैसी हो रही है कमेंट में जरूर बता देना, अभी तो हाथ अच्छे से सेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में नहाया तो पूरे हाथ मेरे कप कप आ रहे हैं। अभी कुछ तुम लोगों ने भी कुछ नहीं लगाया है ना अभी माला वगैरह? नहीं, अभी हमने माला वगैरह भी कुछ नहीं लगाई है क्योंकि अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, अभी पहले इनका डिजाइन वाला काम पूरा कर देते हैं। पूरे हाथ में कलर ही कलर हो जा रहा है, ये देखो इसमें तो मेहंदी लगाई है हमने। तो अभी भी भावना आ चुकी है, भावना भी डाल दी है। तो हमने डाल दिए हैं पूजा चाची के मंदिर पे अर्पण, भावना हाथ लेगा टीरो, और ये देखो ये देखो इन्हें सारे डाल दिए हैं बट हमने नाश्ता भी नहीं किया और भावना यहाँ पे डांस भी कर रही है। कौन से वाले गाने में? सेहरा वाली, ये वाले में। तो पूरा मंदिर बन चुका है इनका, अभी जाके थोड़ा सा नहा भी नहीं रखा है मैंने तो। थोड़ा सा पूजा चाची अपने आप बनाएगी,
ये देखो पूरा बना लिया है। तो अब हम चलते हैं घर को। तो मंदिर पे फूल वगैरह मैंने रखे हैं, अभी माला नहीं बनाई है। अभी जो मैंने फूल तोड़े थे आपको दिखाए थे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हैप्पी दीपावली भी लिख रखा है। और ये रही मेरी थाली जो मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखा दी है, कलर कर रखी है। और ये रहे मेरे दिए जो मैंने कलर करके बना रखे हैं, ये देखो। और इस पे भी कर रखा है, हाँ पाऊ और कन्नू पाऊ पाऊ बोल रहे हैं, इस पे भी कलर कर रखा है मैंने और थोड़ा सा मंदिर पे। तो अभी मैं लेके आई हूँ चावल, थोड़े से भिगो रखे थे क्योंकि मेरे को कमेंट में आया था कि चावल वाले अर्पण कोई नहीं डालता आजकल, तो मैंने वो भिगो रखे हैं क्योंकि मंदिर पे तो मैंने व्हाइट पेंट से बना दिया था। तो जो हमारी बेली है अभी मैं इसमें से पानी गिरा रही हूँ, फिर इनको पीसूंगी, बाहर ही पीसूंगी क्योंकि अंदर तो जो सिलबट्टा होता है उस पे हम हल्दी पीसते हैं तो ये फिर हो जाएगा येल्लो येल्लो। तो कन्नू को ला गया है नट्स, तो अब मैं इसको पीसूंगी यहाँ पे पत्थर पे पीसती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी कल्चर जो हमारा है, जो हम पहले जमाने से करते हुए आए हैं, पहले जमाने में इसी से करते थे, या फिर चावल के आटे का, या फिर चावल को भिगो के उसके बाद पीसा जाता है, फिर अर्पण डाले जाते हैं। तो आपको भी दिखाती हूँ, खूबसूरत बाखली आप देख सकते हो आज। तो मैंने रख दिए यहाँ पे चावल, अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके पत्तमाल मोल है नमा, तो अभी ये पूरे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ आम की पत्ती, तो इससे मैं डालूंगी अब। ए, नीचे पे गिर गया। कोई बात नहीं, दो से हो जाएगा, एक से थोड़ा हिलाने के लिए हो जाएगा इस। तो अब मैं डाल रही हूँ अर्पण, व्हाइट व्हाइट अभी तो दिखेंगे नहीं अच्छे से, जब सूख जाएंगे तब दिखेंगे। अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इससे थोड़े टेढ़े चले जाते हैं, सीधे नहीं जाते हैं क्योंकि पत्ती से टेढ़े ही जाते हैं थोड़े। तो ये देखो ऐसे कुछ डाला जाता है, और कन्नू आ रहा है बीच पे, कन्नू भागो, भाग बाबू यहाँ नहीं, कन्नू हट, वो दद्दा क्या कर रहा है, नक्श कुछ ले गया तेरा, जा तो वो नक्श ला रहा है, देखो जा जल्दी। ये देखो मैं डाल रही हूँ पत्ती से, क्योंकि धूप लग रही है तो साफ नहीं दिख रहा होगा, चमक रही है धूप। तो पुरानी रीति रिवाज हमारी यही है, एक दो साल से ही पेंट वाला चल रखा है, पहले से तो इसी तरह डाला जाता था। तो अम्मा ने बना दिया है पूरा, है क्यों ना अम्मा, और ये कन्नू लाग रो खालो ने कजाम चला है, गाई जाए कौन सी गाई जाएगी, तो गाई। तो अम्मा डाल हेलन अर्पण, हेलो अम्मा, हेलो अब यहाँ है क्यों आप है रो, ये कन्नू आ गया। तो अभी फुल माला नहीं लगाई है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़े से अर्पण डाल रखे हैं, ये देखो और थोड़ा सा इसमें बना रखा है थोड़ा।